हिंदी सिनेमा जगत का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है दिलीप कुमार, जिनका जिक्र जब जब होता है वो तमाम किरदार जहन में आ जाते हैं, वो तमाम किरदार जहन में जिंदा हो जाते हैं जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए हैं। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी और अपने टैलेंट के बलबूते हिंदी सिनेमा जगत में ऐसा मुकाम दिलीप कुमार ने हासिल किया है जिसके बाद उनकी जितनी तारीफें की जाए कम होंगी। लाखों दिल हैं आज भी जो पूजा अर्चना करते हैं, सजदा करते हैं, तो दिलीप कुमार की बेहतरी के लिए दुआ मांगते हैं। आज इस खास पेशकश में मैं आपके साथ मीखा दिलीप कुमार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लेकर हाजिर हूं जो आप शायद ही जानते होंगे। 25 नवंबर 2014 का यह वक्त है जिसका किस्सा हम आपको सुनाएंगे। लोगों ने सोशल मीडिया यूज किया और सोशल मीडिया से जैसे ही जुड़े खबर आने लगी कि दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। जब यह खबर जंगल में आग की तरह फैली साल 2014 में, चारों तरफ यहां हड़कंप मच गया। दिलीप कुमार को चाहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी और उस वक्त सामने आई सायरा बानू, महानायक अमिताभ बच्चन, ही मैन धर्मेंद्र और किंग शाहरुख खान। इन चारों ने ना सिर्फ इस झूठी अफवाह पर पूर्ण विराम लगाया बल्कि शाहरुख खान तो दिलीप कुमार से मिलने पहुंच गए। बिग बी ने क्या कुछ कहा, ही मैन धर्मेंद्र ने क्या कहा, सायरा बानू ने क्या कहा, यह जानकारी हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा।
यानी आज जिस तरह से लता मंगेशकर को लेकर इस तरह की खबरें आती हैं, 2014 में दिलीप कुमार को लेकर आई थी ना, ये खबरें जो लता को लेकर आ रही हैं वो सच है, और ना ही दिलीप कुमार को लेकर जो आई थी उनमें सच्चाई थी। आगे बढ़ते हैं। दिलीप कुमार की तारीफ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और उस रिपोर्ट के जरिए दिलीप कुमार के कुछ कीर्तिमान की झलक आपको दिखाएंगे। वो मुकाम जो उन्होंने हासिल किया है, वो सीढ़ी जो उन्होंने चढ़ी है, उसमें कितना संघर्ष उन्होंने किया है और कितनी ज्यादा कामयाबी उनके कदम चूमी है अब तक, इसकी एक छोटी झलक हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। देखिए जरा। बॉलीवुड के तमाम सितारे दिलीप कुमार के स्वस्थ स्वास्थ्य की दुआ मांगते हैं और हम भी यही मांग रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।